हेलो दोस्तों, आज 11 जुलाई को विश्व में जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। दोस्तों, आखिर इसकी शुरुआत कैसे हुई, इस दिन को मनाने का मकसद और इस साल इसे मनाने का महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है और इस साल की यह थीम क्या है, तो इस वीडियो में पूरी तरह से बने रहें, आपको पूरी जानकारियाँ मिलेगी। हेलो दोस्तों, आपका होस्ट एंड दोस्त राजकिशोर पटेल इस नई जानकारियों के साथ स्वागत करता है। दोस्तों, घड़ी में सेकेंड की सुई जितनी तेज़ी से मूव करती है, उससे कहीं तेजी से दुनिया की पॉपुलेशन का आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। लगातार बढ़ती जनसंख्या एक तरह से विश्व के विकास का बाधक बनता है। गरीबी, भुखमरी, अशिक्षा, बेरोजगारी, इनके पीछे काफ़ी जनसंख्या वृद्धि जिम्मेवार है, इसलिए इस ओर ध्यान देना बेहद जरूरी है। दोस्तों, आपको पता ही होगा, भारत हमारा देश चीन के बाद विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है। हर साल आज ही के दिन 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आइए जानते हैं कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की शुरुआत आखिरकार कब और कैसे हुई है और इस साल मनाने का हमारा उद्देश्य क्या है। दोस्तों, इस दिन को मनाने का सुझाव डॉक्टर केसी जकारिया ने सबसे पहले दिया था। उन्होंने दुनिया को विश्व की जनसंख्या के 5 बिलियन तक पहुंचने का आंकड़ा सबसे पहले बताया था। इस तरह अचंभित आंकड़ों से पूरे विश्व के शिक्षाविदों के लिए एक चिंता का विषय था, जिसमें UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने यह तय किया कि इस दिन छुट्टी रखी जाए, जिससे बढ़ती जनसंख्या और उससे होने वाले नकारात्मक परिणामों की ओर दुनिया को आकर्षित किया जा सके। और इसी के कारण 1989 में इस दिन को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। दोस्तों, जनसंख्या दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य वर्तमान की बढ़ती आबादी के कारण होने वाले दुष्प्रभावों और उससे जुड़े सभी मुद्दों की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित कर उन्हें जागरूक करना है। और ऐसे मौकों पर तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें जनसंख्या नियंत्रण के उपायों के बारे में बातें की जाती है, जिसमें गरीबी, जच्चे बच्चे का स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, परिवार नियोजन, मानव अधिकार, गर्भ निरोधक दवाओं का प्रयोग से लेकर सुरक्षित यौन संबंधों जैसे समस्याओं पर भी चर्चा की जाती है। दोस्तों, चाइना जहाँ सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, पर वह अपना जनसंख्या नियंत्रण के कई प्रयोग कर रहा है, जिससे उनकी आबादी में काफ़ी गिरावट आने लगी है। हमारा देश और हमारे देश के लोगों को भी अन्य देशों के लोगों से समझ स्थापित करने की ज़रूरत है, ताकि देश तरक्की के रास्ते पर अग्रसर हो सके। हमारे देश में भी कई जनसंख्या नियंत्रण संबंधी चीज़ें गवर्नमेंट द्वारा चलाई जाती हैं, उसका प्रयोग लोग सही रूप से नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारे देश में जनसंख्या विस्फोट होती जा रही है। आज के लोग पढ़े लिखे हैं और इन सभी चीज़ों को घटित होने का कारण जानते भी हैं, बस उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है। दोस्तों, आपकी क्या राय है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।